नमस्कार, आप देख रहे हैं चले न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज, देखते हैं आज की 20 ताज़े खबरें। सिंधु बॉर्डर पर एक और किसान की मौत, फंदे से लटकता मिला शव। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच सोनीपत में के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर बुधवार को प्रदर्शन में शामिल एक किसान शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतक किसान का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। वह पंजाब के फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। बेकाबू ऑडी कार झुग्गी झोपड़ी में घुसी, 8 लोगों को रौंदा। राजस्थान के जोधपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, 7 लोग गंभीर रूप से। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने पहले पीछे से स्कूटी सवार लड़की को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें वो कई फीट हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद कार सड़क के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गई, जिसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। टारगेट किलिंग का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। कश्मीर में आम नागरिकों को लक्षित हत्याओं की आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CRPF के 5,500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा जाएगा। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों को तैनाती देखने के रणनीति के तहत CAPF की नई कंपनी को घाटी भेजी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ फजई सादी के बंधन में बंधी। बेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ फजई सादी के बंधन से बंध गई। इसकी पुष्टि मलाला यूसुफ फजई ने की है। उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने बर्मिंघम स्थित घर में उनकी शादी के मौके पर छोटे से समारोह का आयोजन किया गया। मलाला यूसुफ फजई ने अपनी शादी की जानकारी देते हुए ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज का दिन मेरे जीवन का एक अनमोल दिन है। जीवन भर का साथ निभाने के लिए एसर और मैं शादी के बंधन में बंध गई। भारत की कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब तक 96 देशों ने की मान्यता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा है कि 96 देशों में भारत के साथ COVID-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को परस्पर मान्यता देने पर सहमति जताई है। मांडविया ने एक बयान में कहा है कि भारत पुरस्कार दुनिया की बाकी हिस्सों के साथ संपर्क में है, ताकि दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम लाभार्थियों को स्वीकृत और मान्यता मिल सके, ताकि वे शिक्षा व्यवसाय व पर्यटन उद्देश्यों के लिए आसानी से यात्रा कर सकें। थाने में टूटी से लटक कर दे दी जान। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में एक युवक की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद यूपी पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल खड़े हो गए। बता दें कि एक किशोरी को अगवा करने के आरोप में अल्ताफ पुत्र चाहत मियां को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बीते मंगलवार को कोतवाली के हवालत में अल्ताफ की मौत हो गई। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि युवक ने हवालात के टॉयलेट में फांसी लगा। बता दें कि फांसी लगाने के बाद आनंद फाना में पुलिसकर्मी अल्ताफ को अशोक नगर के स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चीन सीमा तक बेहतर सड़क जरूर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से जुड़ी 3 सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिहाज में अहम माना है। प्रोटेक्ट के खिलाफ एक NGO ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा का पहली प्राथमिकता हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं को देखते हुए इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 में हालात में हो। केंद्र ने चीन सीमा तक सड़कों को 10 मीटर चौड़ा करने के सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है, जबकि एक NGO सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ है। हिंद महासागर में चीन की बुरी नज़र। चीन और पाकिस्तान की रक्षा संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। सोमवार को चीन ने पाकिस्तान को पहला Type 054 में वॉरशिप सौंपा। पाकिस्तान ने इस वॉरशिप को PNS तगरील नाम दिया। चीन के इस कदम में अरब सागर और हिंद महासागर में पाकिस्तानी नौसेना की मजबूती मिलेगी। इन क्षेत्रों में चीन ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति काफ़ी बढ़ाई है। मैनपुरी में ट्रक से टकराई बस, 40 यात्री घायल। मैनपुरी से यात्रियों को लेकर इटावा जा रही एक प्राइवेट बस सेफई थाना क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस आगे जा रही थी, ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसमें बस में सवार करीब 40 यात्री घायल हो गए। वहीं 8 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सेफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस के अन्य वाहनों की मदद से यात्रियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया।
बलिया के CMO लापता। बलिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तन्मय कक्कर के लापता होने का मामला सामने आया। संयुक्त विकास आयुक्त आजमगढ़ मंडल PN वर्मा ने मंगलवार को कोतवाली में CMO को की गुमशुदगी की तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि दिवाली के दो दिन पहले ही से ही CMO लापता चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के किसी भी कर्मचारी को उनके बारे में जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह किसी काम से इलाहाबाद हाईकोर्ट गए हैं। सोनभद्र में प्रोफेसर की गला रेतकर हत्या। सोनभद्र के दृष्टि कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार देर रात PRDPG कॉलेज प्रोफेसर जगजीत सिंह की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह जब पत्नी ने खून से लथपथ शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उन्नाव में प्रेमी ने किया प्रेमिका का अपहरण। उन्नाव के फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र में एक गांव में मंगलवार देर शाम कार सवार युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका का अपहरण कर लिया। युवक ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब प्रेमिका अपनी चचेरी बहन के साथ सोच के लिए जा रही थी। जानकारी होने पर CO अंजनी कुमार रॉय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस युवती की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि युवती का अपहरण नहीं हुआ है, वह जानबूझकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। देवरिया में पत्नी की गोली मारकर हत्या। देवरिया की बरहज थाना क्षेत्र के पेना गांव में मंगलवार रात मोबाइल फोन के विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने पति की लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी पति को बंदूक सहित हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना की जानकारी होने पर ASP डॉक्टर श्रीमती मिश्र के मौके पर पहुंचकर हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। पुलिस के साथ नजर आएंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। व्यवसायी दुकानों पर आए दिन होने वाली मारपीट तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकता संभालेंगे। अपर क्या है? क्या अपर मुखिया की सूचना पर पुलिस की तरफ ही मौके पर पहुंचकर कानून व्यवस्था। अपर मुखिया सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि UP 112 में लिंक की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इससे प्रदेश के व्यावसायिक दुकानों को आपातकालीन परिस्थितियों में काम समय के भीतर पुलिस चिकित्सा फायर सर्विस आदि की सहायता उपलब्ध हो सकेगी। कानपुर इंस्पेक्टर पर छेड़छाड़ करने का आरोप। कानपुर के गवाल टोली थाना के एडिशनल इंस्पेक्टर अरुण कुमार की भी सड़क चप्पल से पिटाई करने के मामले में नया मोड़ आ गया। महिला की तहरीर पर मंगलवार को इंस्पेक्टर के खिलाफ मामूली धाराओं में FIR दर्ज करा ली गई है। महिला ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने उससे छेवीं शादी की है। ASP कर्नलगंज त्रिपुरारी पांड्या ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहां जल्द ही अपनी रिपोर्ट पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण को। मुंबई की ड्रग्स अब लखनऊ की रेव पार्टी में। लखनऊ STF ने मंगलवार रात सरोज नगर इलाके में शहीद पट के पास 190 ग्राम मेडे ड्रॉन ड्रग के साथ मुंबई के एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास 1.25 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। STF उसके गिरोह के विषय में पता लगा रहे। पुलिस अध्यक्ष STF सत्य सेन यादव ने बताया कि आजकल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकीन की बढ़ती कीमत के चलते नशा में सौदागर और मेफे ड्रॉन की सप्लाई करने लगे हैं। दर्शन पूर्वा हत्याकांड के तीनों आरोपी गिरफ्तार। फजलगंज थाना क्षेत्र के दर्शन पूर्वा में सोमवार देर रात हुई हत्या में पुलिस ने तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ से व्रजसव की रंजीत और जुए के विवाद में हत्या के बाद सामने आई है। 1.5 महीने पहले हत्या आरोपियों ने मृतक पर चापर से हमला किया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ NCR दर्ज की थी। इसके चलते हौसला बुलंद दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अगर फजलगंज थाने की पुलिस कड़ी कार्रवाई करती तो शायद ये हत्याकांड नहीं होता। मुजफ्फरनगर बैंक मित्र से 5 लाख की लूट। मुजफ्फरनगर के प्रथमा UP ग्रामीण बैंक शाखा खतौली के बैंक मित्र के 2 बदमाशों ने बुधवार सुबह डंडा मार के घायल कर दिया। बदमाश बैंक मित्र से करीब 5 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने लूट की सूचना पुलिस को दी, लेकिन थाना जानसठ और खटोली की पुलिस काफ़ी देर तक उनके क्षेत्र में घटना ना होने की बात कहकर मामले को टालती रही। बाद में खटोली थाना पुलिस ने स्वीकारा कि लूट की घटना उन्हीं के क्षेत्र में हुई। जयपुर में दर्शकों की मौजूदगी में होगा भारत न्यूजीलैंड T20 मैच। राजस्थान की खेल प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। गृह विभाग में 17 नवंबर को जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाले T20 मुकाबले में दर्शकों की मौजूदगी की अनुमति दे दी है। कोरोना गाइडलाइन के तहत दर्शकों को मैदान में प्रवेश दिया जाएगा।
इस दौरान कोरोना वैक्सीन की एक डोज लगवाने वाले व्यक्ति मैदान में बैठ भारत न्यूजीलैंड का मैच देख सकेगा। बदले बदले से आर्यन जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आर्यन खान जाहिर तौर से काफ़ी शांत हो गए हैं। शाहरुख के बेटे ज़्यादातर अपने कमरे में रहते हैं, इतना ही नहीं उन्हें अपने दोस्तों से मिलना या बाहर जाने से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। आर्यन ने मुंबई के आथर रोड जेल में 25 दिन बताए, उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन खान परिवार के करीबी के मुताबिक उनकी लाइफ इस घटना से आर्यन को जख्मी कर दी है और इसलिए आर्यन ने खुद को कैद कर लिया है। ये थी अब तक की 20 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।